खबर पुवई से पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट। जिला ब्यूरो सिमरिया में आयोजित भक्तमाल कथा में पहुंचे बागेश्वर पीठाधीश्वर। पर्याप्त संसाधन के बावजूद भी पन्ना जिला पिछड़ा, नेताओं को दी नसीहत। पन्ना जिले के सिमरिया में विख्यात संत किशोरदास देवजू महाराज जी के सानिध्य में चल रही 7 दिवसीय भक्तमाल कथा के आयोजन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी पन्ना जिले के सिमरिया धाम पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पिछड़े हुए पन्ना जिले को पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद भी जहां के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस क्षेत्र में पलायन की संख्या अधिक है। नेताओं को चाहिए कि इसमें और ध्यान देते हैं। ताकि बताया कि भक्तमाल में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज के पधारने पर माहौल भक्तिमय के साथ आनंदमय हो गया एवं बागेश्वर महाराज जी के दर्शनों एवं देखने को उमड़ा आस्था का सैलाब। वहीं बागेश्वर महाराज जी भक्तमाल कथा स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मुखारविंद अपनी अमृत वाणी से प्रवचन किए। उपरोक्त कार्यक्रम 14 जुलाई से 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा महोत्सव तक चलेगा। उपरोक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेंद्र दास जी महाराज, छोटे सरकार, सांवरिया सरकार एवं अन्य संत पहुँच चुके हैं। पूज्य श्री गोरीलाल पुण्य वाले महाराज श्री जी के मुखारविंद से सिमरिया में भक्तमाल की गाथा गाई जा रही है। उसमें भारत के सभी दिव्य संत पहुंचे हैं और इस स्थान भूमि पर श्री धाम वृंदावन की बहु प्रसिद्ध पूरे क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष में जो प्रसिद्ध रासलीला है, उसके रासाचार्य पूज्य श्री भैया जी महाराज विराजमान है। सब संत आ रहे हैं, हमारे जैसा नालायक दास भी आया हुआ है। ये प्रभु की कृपा है। पूरे क्षेत्र को यही कहना है, सिमरिया पन्ना जिले के लोगों को, कि आप सब दर्शन करके संतों का आशीर्वाद लें, हिंदुओं में एकता रखें। पन्ना जिला बड़ा ही पिछड़ा और बिछड़ा जैसा प्रतीत होता है। पलायनवाद बहुत ज्यादा है और बल्कि सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में कीमती वस्तुएं पन्ना जिले में ही पाई जाती है। तो नेताओं को पन्ना जिले के गाँवों पर ध्यान देना चाहिए, वोट बैंक भर नहीं लेना चाहिए।